Hello students, today topic people engage in tertiary activity. People लोग जो तृतीय क्रियाकलापों में व्यस्त रहते हैं उनमें लगे रहते हैं जो तृतीय क्रियाकलापों में लगे हुए लोग रहते हैं उनमें जैसे जैसे कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट का लेवल इंक्रीज होता है वैसे वैसे लोग प्राइमरी और सेकेंडरी से शिफ्ट होकर टर्शरी एक्टिविटी में अपनी लाइवलीहुड अर्न करने लगते हैं। वर्ल्ड के अंदर जो डेवलप्ड नेशन है इनमें 75% वर्किंग पॉपुलेशन टर्शरी एक्टिविटी में एंगेज्ड है, जबकि यूरोपियन कंट्री में 80%, यूएसए में 75% और इंडिया में 41.6% लोग टर्शरी एक्टिविटी में एंगेज हैं। लेकिन जैसे ही अंडर डेवलप कंट्री हैं इनमें अभी भी लोग प्राइमरी एक्टिविटी में सबसे अधिक एंगेज्ड हैं, इनमें केवल 10% पीपल हैं वो ही टर्शरी एक्टिविटी में अपनी लाइवलीहुड अर्न कर रहे हैं। टुडे मोस्ट ऑफ पीपल आर सर्विस वर्कर्स। वर्कर के रूप में बड़े पैमाने पर लोग जो हैं वो अपनी आजीविका प्राप्त कर रहे हैं। Service are provided in all societies, but in more developed country, a higher percentage of worker is employed in providing service as compared to less developed country. जो कम विकसित देश हैं उनकी तुलना में जो अधिक विकसित देश हैं वो बड़े पैमाने पर सेवाएं जो हैं वो उपलब्ध करवा रहे हैं। कम विकसित देश जो हैं वो सेवाओं में कम लगे हुए हैं और कम सेवाएं उपलब्ध करवा रहे हैं। द ट्रेंड इज एम्प्लॉयमेंट इन दिस सेक्टर हैज बीन इंक्रीज व्हाइल इट हैज रिमेन अनचेंज और डिक्रीजिंग इन द प्राइमरी और सेकेंडरी एक्टिविटी। इनमें से कुछ क्षेत्र हैं जिनमें प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर के अंदर एंगेज पर्सन का और वर्कर का रेशो रिड्यूस हुआ है और कुछ ऐसे हैं जिनमें चेंज नहीं हुआ है, अनचेंज हैं। लेकिन धीरे धीरे लोग जो हैं वो टर्शरी एक्टिविटी में मैक्सिमम इन्वॉल्व हो रहे हैं, अर्थात जैसे कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट का लेवल इंक्रीज हो जाता है वैसे ही लोगों में स्किल्स, टेक्नोलॉजी, एजुकेशन का लेवल इंक्रीज होता है और लोग प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर को छोड़ करके टर्शरी एक्टिविटी में बेटर लिविंग स्टैंडर्ड के लिए, हाई इनकम के लिए, बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए इसको रिसीव करते हैं। इसके बाद टर्शरी एक्टिविटी के कुछ एग्जांपल्स हैं जो इम्पोर्टेंट हैं जिससे कंट्री में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इंक्रीज होती है, लिविंग स्टैंडर्ड इंक्रीज होता है, इनकम लेवल इंक्रीज होता है। इनमें सबसे पहले जो सिलेक्टेड एग्जांपल्स हैं इनमें टूरिज्म सेक्टर वर्ल्ड में फास्टली इंक्रीज हो रहा है और बड़े पैमाने पर ये पॉपुलेशन को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करवा रहा है। टर्शरी एक्टिविटी में व्हेन पीपल्स ट्रैवल फॉर रिक्रिएशन इज नोन एज टूरिज्म। जब लोग रिक्रिएशन मीन्स एंटरटेनमेंट और एंजॉय के लिए, मनोरंजन के लिए यात्रा करते हैं, टूरिज्म इज ए ट्रैवलिंग अंडरस्टैंड फॉर पर्पज ऑफ रिक्रिएशन रादर देन बिजनेस। इनमें व्यापार की तुलना में मनोरंजन के लिए यात्रा अधिक की जाती है, उसे हम पर्यटन कहते हैं। मीन्स पर्यटन एक यात्रा है जो व्यापार के बजाय मनोरंजन के उद्देश्य के लिए की जाती है। इट हैज़ बिकेम द वर्ल्ड सिंगल लार्जेस्ट टर्शरी एक्टिविटी इन द रजिस्टर्ड जॉब। यह विश्व में
सबसे अधिक जो रजिस्टर्ड रोजगार हैं, रजिस्टर्ड जो जॉब हैं, उनमें सबसे अधिक जॉब प्रोवाइड करने वाला एक विश्व का अकेला सबसे बड़ा इकोनॉमिक एक्टिविटी बन गई है। रजिस्टर्ड जॉब 250 मिलियन एंड टोटल रिवेन्यू 40% ऑफ द टोटल जीडीपी। बहुत सारे कंट्री में बड़े पैमाने पर जीडीपी का 40% पार्ट जो है वो टर्शरी एक्टिविटी से रिसीव हो रहा है, और ये वर्ल्ड के अंदर 250 मिलियंस जॉब प्रोवाइड कर रहा है, और बहुत सारे देशों में और विश्व में एवरेज 40% जीडीपी में इसका टूरिज्म का शेयर इंक्रीज हो रहा है। बिसाइड मैनी लोकल पर्सन आर एम्प्लॉयड टू प्रोवाइड सर्विस। ये बहुत सारे जो लोकल लोग हैं उनको विभिन्न प्रकार की सेवाएं जो पर्यटनों को उपलब्ध कराते हैं उनको रोजगार के अवसर उपलब्ध करवा रहे हैं। लोकल पर्संस आर एम्प्लॉयड टू प्रोवाइड सर्विस लाइक एकोमेंडेशंस, मेल, ट्रांसपोर्ट, एंटरटेनमेंट एंड स्पेशल शॉप सर्विंग द टूरिस्ट। जो पर्यटकों को, टूरिस्ट पर्सन को विभिन्न प्रकार की भोजन की, आवास की, परिवहन की, मनोरंजन की और विशेष प्रकार की दुकानों जैसी सेवाएं उपलब्ध करा करके उनको उनसे रोजगार प्राप्त कर रहे हैं। टूरिस्ट फोस्टर्स द ग्रोथ ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री, रिटेल, ट्रेडिंग एंड क्राफ्ट इंडस्ट्रीज। इनमें बड़े पैमाने पर ये लोग जो हैं वो पर्यटन अवसंरचना के उद्योगों के रूप में, मीन्स पर्यटन को एक इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्रीज के रूप में डेवलप कर रहे हैं। रिटेल ट्रेडिंग फुटकर व्यापार के रूप में अपनी सेवाएं उपलब्ध करवा रहे हैं, एंड विभिन्न प्रकार की क्राफ्ट इंडस्ट्रीज जो हैं, जो शिल्प उद्योग हैं, उनको भी बड़े पैमाने पर अपनी एम्प्लॉयमेंट की सुविधा उपलब्ध करवा रहे हैं। इन सम रीजन्स टूरिस्ट इज सीजनल बिकॉज द वैकेंसन पीरियड इज डिपेंडेंट ऑन द फेवरेबल वेदर कंडीशंस। इनमें बहुत सारे जो समय होता है, जैसे अवकाश की अवधि का अनुकूल मौसम होता है, उनमें सेवाएं उपलब्ध करवाई जाती हैं जो सीजनल होती हैं, जबकि कुछ रीजन ऐसे होते हैं जिसमें पूरे साल भर ही पर्यटन की सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाती हैं। वेदर कंडीशंस बट मैनी रीजन अट्रैक्ट विजिटर्स ऑल द ईयर राउंड। पूरे वर्ष भर जो विजिटर्स होते हैं, टूरिस्ट पर्सन्स होते हैं, उनको अपनी फैसिलिटी प्रोवाइड करवाते हैं। इसके बाद आते हैं जो इम्पोर्टेंट टूरिस्ट प्लेस या टूरिस्ट रीजन्स। इनमें कुछ जो इम्पोर्टेंट टूरिस्ट प्लेस हैं, इनमें से वो रीजन्स आते हैं जिनको टूरिस्ट पर्सन जो हैं वो लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, और वहाँ पर वो टूरिज्म करने को इम्पोर्टेंस देते हैं। टूरिस्ट रीजन्स द वार्मर प्लेस अराउंड द मेडिटेरियन कोस्ट एंड वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया आर सम ऑफ द पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन इन द वर्ल्ड। विश्व में सबसे अधिक जो टूरिस्ट को में प्रसिद्ध हैं उनमें मेडिटेरियन सी, जो यूरोप और अफ्रीका कॉन्टिनेंट के बीच का पार्ट है, जहाँ पर क्लाइमेट कंडीशंस मॉडरेट रहती, कोस्ट एंड द वेस्ट कोस्ट आर सम ऑफ द पॉपुलर। और इंडिया का जो वेस्ट कोस्ट है जिसमें आपके मुंबई, पुणे, केरला जो बीच हैं, ये टूरिस्ट के लिए फेमस हैं। अदर इंक्लूड विंटर स्पोर्ट रीजन्स, जो विंटर सर्दियों में खेल के
मैदानी रीजन्स होते हैं जहाँ पर वार्मर प्लेस के लोग कोल्ड रीजन्स का आनंद लेने के लिए, एंटरटेनमेंट करने के लिए, एंजॉय लेने के लिए यात्रा करते हैं, फाउंड मेनली इन माउंटेन एरिया और इनके साथ ही बहुत सारे जो पर्वतीय स्थल होते हैं जैसे नैनीताल, मंसूरी, दार्जिलिंग्स के जो एरिया होते हैं, एंड द वेरियस सीनिक लैंडस्केप्स एंड नेशनल पार्क विच आर स्कैटर्ड्स। जो नेशनल पार्क और जो बहुत ही सुंदर दृश्य भूमियाँ होती हैं ये भी लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। मनोहर दृश्य भूमियाँ और इधर उधर जो फैले हुए उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान सम्मिलित होते हैं, ये भी पॉपुलेशंस को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं। स्कैटर्ड्स नेशनल पार्क, जो नेशनल पार्क पूरे वर्ल्ड के अंदर फैले हुए हैं। हिस्टोरिक टाउन्स आर अट्रैक्ट टूरिस्ट बिकॉज ऑफ द मोन्यूमेंट, हेरिटेज साइट्स एंड कल्चरल एक्टिविटी। इनके अंदर जो हेरिटेज साइट्स होती हैं, कल्चरल एक्टिविटी होती हैं और विभिन्न प्रकार के जो सांस्कृतिक और विरासत स्थल जो होते हैं, हिस्टोरिक टाउन्स एंड अट्रैक्ट ऑफ द टूरिस्ट बिकॉज ऑफ द मोन्यूमेंट। जो विरासत वगैरह, स्मारक स्थल वगैरह जो होते हैं, सांस्कृतिक गतिविधियाँ होती हैं, कल्चरल एक्टिविटीज जो होती हैं, ये सभी पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है विच फैक्टर अफेक्टिंग द टूरिज्म। टूरिज्म को कौन कौन से फैक्टर अफेक्टिंग करते हैं। कोई भी पर्सन किसी रीजन में टूर का प्लान तैयार करता है तो उससे पहले वहाँ के डिफरेंट टाइप की जो फैसिलिटीज़ हैं, उनको अफेक्टेड करने वाले जो फैक्टर हैं, उनकी स्टडी करता है। तो उनमें सबसे पहला जो फैक्टर आता है वो आती है डिमांड। डिमांड टूरिस्ट को लार्ज स्केल्स पर अफेक्टेड करती है। जिस पर्सन की डिमांड या जिस रीजन्स के अंदर पर्सन की, टूरिस्ट की डिमांड की कैपेबिलिटी होती है, उनकी क्षमता होती है, वहाँ टूरिज्म जो है वो लार्ज स्केल पर किया जाता है। टूरिज्म के डिमांड्स के लिए जो हॉलीडेज होते हैं, इनकम होती है और जो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी होती हैं, इनकी रिक्वायरमेंट्स होती है। जिन लोगों के पास लेजर टाइम होता है, अपने लेजर टाइम को व्यतीत करने के लिए उनके पास इनकम के सोर्स होते हैं और उनको उस टूरिस्ट प्लेस तक पहुंचाने के लिए बेटर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी की अवेलेबल होती है, तो वहाँ पर टूरिज्म जो है वो अधिक किया जाता है। जो लोग एक बेटर लिविंग स्टैंडर्ड में जीना चाहते हैं, डिफरेंट वर्ल्ड के जो ब्यूटीफुल रीजन्स होते हैं, हिस्टोरिकल पैलेस होते हैं, नेचुरल ब्यूटी होती है, उसका एन्जॉयमेंट लेना चाहते हैं, वो लोग टूरिज्म की डिमांड करते हैं और वहाँ पर टूरिज्म मैक्सिमम किया जाता है। जैसे यूरोपियन कंट्री में टूरिज्म को सबसे अधिक इम्पोर्टेंस दी जाती है। यूरोपियन कंट्री के लोग होल ईयर पैसे इकट्ठे करते हैं पूरे साल भर, और लास्ट में 1 और 2 मंथ में टूरिज्म्स में उनको एक्सपेंडिचर करते हैं, उनको खर्च करते हैं। डिमांड सिंस द लास्ट सेंचुरी द डिमांड फॉर हॉलीडेज एंड द इंक्रीज रैपिडली। पिछले शताब्दी से पर्यटन की मांग में तेजी से वृद्धि हो रही है, अवकाश के लिए तीव्रता से मांग बढ़ रही है। इंक्रीज द रैपिडली इम्प्रूवमेंट इन द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। पिछले कुछ शताब्दी से, दशकों से लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो इम्प्रूवमेंट हुआ है, एंड इंक्रीज लेजर टाइम और आराम के क्षणों में वृद्धि हुई है, क्योंकि लोग जो हैं वो प्राइमरी और सेकेंडरी से शिफ्ट होकर के टर्शरी एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो रहे हैं, जिससे उनकी लिविंग स्टैंडर्ड, इनकम सोर्स और उनके हॉलीडेज टाइम, जो लेजर टाइम जो है वो इंक्रीज हुआ है। पिरामिड
many more people to go on holiday for leisure, जिसके कारण से लोग जो हैं वो बड़े पैमाने पर अवकाश व्यतीत करने के लिए टूरिस्ट प्लेस पर जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट डिमांड के बाद जो आता है वो आता है आपका ट्रांसपोर्ट सिस्टम। टूरिज़म्स को सबसे अधिक ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अफेक्टेड करती है। जिस रीजन पर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी बेटर क्वालिटी की होती है, चीप होती है और ईजली अवेलेबल होती है, वहाँ पर टूरिज़म लार्ज स्केल्स पर किया जाता है। द ओपनिंग अप ऑफ टूरिस्ट एरिया हैज़ बीन एडिड by improvement in the transport facility. Travel is easier by car with better road system. जहाँ पर यात्रा आसान होती है कार के द्वारा और better road system, railway system, air system की facility बहुत ही अच्छी होती है, easily available हो जाती है, low cost पर available होती है, तो उन regions के अंदर visitors जो हैं वो maximum यात्रा करते हैं। मोर सिग्निफिकेंट इन रिसेंट ईयर हैज़ बीन द एक्सपेंशन इन एयर ट्रांसपोर्ट। पिछले कुछ वर्षों में वायु परिवहन का विस्तार भी इस कार्य के लिए महत्वपूर्ण हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, एयर ट्रैवल अलाउ वन टू ट्रैवल एनीवेयर इन द वर्ल्ड इन ए फ्यू आवर ऑफ फ्लाइंग। उदाहरण के रूप में हम बता रहे हैं कि वायु यात्रा द्वारा कुछ ही घंटों में अपने घर से विश्व के किसी भी भाग में टूरिस्ट अपनी ट्रैवलिंग कर सकते हैं। टाइम फॉर देयर होम, अपने घर से। द एडवेंट ऑफ द पैकेज हॉलीडे हैज रिड्यूस द कॉस्ट। टूरिज्म को अफेक्टेड करने में जो पैकेज हॉलीडे हैं ये भी सबसे अधिक महत्वपूर्ण माने जाते हैं। वैकेशन पीरियड में हॉलीडेज पैकेट प्रोवाइड करके लार्ज स्केल पर एयर ट्रांसपोर्ट और अदर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी जो हैं वो टूरिज्म को अट्रैक्ट करते हैं और एक अच्छे पैकेज पर, सस्ते पैकेज पर उनको वर्ल्ड वाइड लेवल्स की टूरिस्ट फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा टूरिज़म्स के अंदर हाई इनकम का भी इम्पोर्टेंस होती है। हाई इनकम जिस लेवल्स लोगों की अधिक होती है, इनकम का लेवल हाई रहता है, वहाँ पर लोग अपने लेजर टाइम्स को बिताने के लिए, व्यतीत करने के लिए टूरिस्ट प्लेस की डिमांड करते हैं। इसी के साथ ही होता है लिविंग स्टैंडर्ड, जैसे जैसे स्किल्स टेक्नोलॉजी का लेवल इंक्रीज होता है, ह्यूमन बीइंग का लिविंग स्टैंडर्ड इंक्रीज होता है, तो उसमें टूरिस्ट रीजन्स की डिमांड जो है वो इंक्रीज हो जाती है, पर्यटन क्षेत्रों की मांग में वृद्धि होती है। इसी के साथ आता है आपका लेजर टाइम। जिन पर्सन के पास आराम का समय अधिक होता है, वैकेशन पीरियड अधिक होता है, हॉलीडेज टाइम अधिक होता है, वो लोग डिफरेंट वर्ल्ड के पार्ट में टूरिज्म को इम्पोर्टेंस देते हैं, पर्यटन को इम्पोर्टेंस देते हैं। इसके बाद एकोमेंडेशंस फैसिलिटी, जिस रीजन्स पर एकोमेंडेशंस फैसिलिटी अधिक होती हैं वहाँ पर आवास की अच्छी सुविधाएं रहती हैं, बेटर सिक्योरिटी रहती है, उस रीजन्स पर लोग जो हैं वो अधिक ट्रैवलिंग करते हैं, अधिक टूरिज्म को इम्पोर्टेंस देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है टूरिस्ट अट्रैक्शंस। टूरिस्ट को अट्रैक्शंस करने वाले कौन से फैक्टर हैं? टूरिस्ट को अट्रैक्शन करने में सबसे पहला क्लाइमेट का रोल होता है। डिफरेंट टाइप्स के वर्ल्ड में क्लाइमेट कंडीशंस होती हैं, हाई टेम्परेचर, लो टेम्परेचर, मॉडरेट टेम्परेचर्स। इस डिफरेंट टाइप्स के क्लाइमेट कंडीशंस को आनंद लेने के लिए, एंजॉय लेने के लिए कोल्डर रीजन्स के लोग वार्मर एरिया में और वार्मर रीजन्स के लोग कोल्डर एरिया के अंदर जो है वो ट्रैवलिंग करते हैं। मोस्ट पीपल फ्रॉम कोल्डर रीजन्स एक्सेप्ट टू हैव वार्म सनी वेदर फॉर बीच होलीडेज। बहुत सारे जो लोग होते हैं वो ठंडे प्रदेशों के अधिकांश लोग
बीच वगैरह पर धूपदार मौसम का आनंद लेने के लिए यात्रा करते हैं। वेदर टू बीच हॉलीडे, दिस इज वन ऑफ द मेन सीजन फॉर द इम्पोर्टेंस ऑफ टूरिज्म इन सदर्न यूरोप। यह सदर्न यूरोप का, दक्षिणी यूरोप का सबसे महत्वपूर्ण समय होता है, जब यहाँ के लोग जो हैं वो सनी टेम्परेचर्स का, सनी वेदर का एंजॉय करने के लिए मेडिटेरियन एरिया की ओर ट्रैवलिंग करते हैं। द मेडिटेरियन क्लाइमेट ऑफर ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंटली हाइयर टेम्परेचर, क्योंकि मेडिटेरियन रीजन्स का टेम्परेचर सदा हाई रहता है, देन इन द अदर पार्ट ऑफ द यूरोप, यूरोप के दूसरे पार्टों की तुलना में। लॉन्ग हावर इज सनशाइन एंड लो रेनफॉल, यहाँ पर लंबे समय तक सूर्य चमकता है और कम रेनफॉल होती है। थ्रू आउट द पीक हॉलीडे सीजन्स, पूरे जो हॉलीडे का अच्छा जो समय होता है। पीपल टेकिंग विंटर हॉलीडे हैव स्पेसिफिक क्लाइमेट रिक्वायरमेंट, आइदर हाइयर टेम्परेचर देन देयर ओन होमलैंड। जिन क्षेत्रों के होमलैंड के अंदर जहाँ टेम्परेचर हाई होता है, ये लोग जो हैं वो कोल्ड रीजन्स के अंदर ट्रैवलिंग करते हैं और स्नो कवर्ड स्टेबल फॉर स्कीइंग। स्कीइंग जो है ये एक बर्फीले क्षेत्रों में खेला जाने वाला खेल है, जिसका आनंद लेने के लिए गर्म क्षेत्रों के लोग जो हैं वो ठंडे क्षेत्रों में यात्रा करते हैं। मीन्स क्लाइमेट कंडीशंस जो हैं वो टूरिस्ट पर्सन्स को अट्रैक्ट करते हैं। ये स्टार्टिंग में मैंने बताया था, ठंडे प्रदेशों के लोग गर्म क्षेत्रों में और गर्म क्षेत्रों के लोग ठंडे क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की जलवायु को आनंद लेने के लिए ट्रैवलिंग करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसके अंदर आता है लैंडस्केप। हर सरफेस पर डिफरेंट टाइप्स के रिलीफ फीचर्स हैं। इन रिलीफ फीचर्स को अंडरस्टैंडिंग करने के लिए, समझने के लिए, इनसे का आनंद लेने के लिए, इनकी ब्यूटी को देखने के लिए जो लोग हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर यात्रा करते हैं। इनमें जैसे मैनी पीपल्स लाइक टू स्पेंड देयर हॉलीडे इन द अट्रैक्टिव एनवायरनमेंट, जहाँ पर एनवायरनमेंट बहुत ही आकर्षण करने वाला होता है, वहाँ पर क्लियर एनवायरनमेंट होता है, क्लीन होता है, साफ सुथरी सुंदर हवा होती है, उन क्षेत्रों पर अपना समय व्यतीत करने के लिए उनको पसंद करते हैं। वाइल ओफन मीन्स माउंटेन लेक स्पेक्टेक्युलर सी कोस्ट लैंडस्केप नॉट कम्प्लीटली अल्टर्ड बाई मैन, जो पूर्ण रूप से मनुष्य द्वारा अपरिवर्तित भूदृश्य हैं, दर्शनीय स्थल हैं, दर्शनीय समुद्री तट हैं, स्पेक्टेकुलर सी कोस्ट रीजन्स जो हैं, झीलें हैं, माउंटेन्स पर्वत वगैरह हैं, इस प्रकार के लैंडस्केप भूदृश्यों का आनंद लेने के लिए भी लोग जो हैं वो ट्रैवलिंग करते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर आता है हिस्ट्री एंड आर्ट। बहुत सारे जो लोग हैं जिनका इंटरेस्ट जो है वो हिस्टोरिकल्स कल्चर में होता है, आर्ट्स में होता है, ये लोग डिफरेंट टाइप्स के जो हिस्टोरिकल बिल्डिंग है, हिस्टोरिकल्स जो प्लेस हैं उनकी भी ट्रैवलिंग करते हैं, वहाँ पर भी यात्रा करते हैं। द हिस्ट्री एंड आर्ट ऑफ एन एरिया हैव पोटेंशियल अट्रैक्टिवनेस, जो बड़े पैमाने पर लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, जो इतिहास और कला के संभावित आकर्षक के जो केंद्र होते हैं। पीपल विजिट एंशियंट एंड पिक्चर के टाउन्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट एंड इंजॉय एक्सप्लोरिंग्स कैसल्स प्लेसेस एंड चर्च, जो वहाँ के गिरजाघर होते हैं, किले होते हैं, महल होते हैं, और जो प्राचीन हमारे आर्कियोलॉजिकल साइट्स जो होती हैं, पुरातत्विक जो संरचनाएं होती हैं, उनको अंडरस्टैंडिंग करने के लिए, उनके कल्चर,
उनके हिस्ट्री, उनके आर्ट्स को अंडरस्टैंडिंग करने के लिए, उनकी स्टडी करने के लिए भी ट्रैवलिंग करते हैं। जिन पर्सन की जो रुचि है वो हिस्ट्री और आर्ट में होती है, और हिस्ट्री और आर्ट को अंडरस्टैंडिंग और स्टडी करने के लिए ये वहाँ पर ट्रैवलिंग करते हैं। नेक्स्ट आता है कल्चर एंड इकोनॉमी। डिफरेंट टाइप के वर्ल्ड में कल्चर एक्टिविटी डिफरेंट होती हैं। वर्ल्ड के डिफरेंट डिफरेंट रीजन जो है वो अपनी अपनी कल्चरल एक्टिविटी से जाने जाते हैं। दीज अट्रैक्ट टूरिस्ट विद द पैनसॉन फॉर एक्सपीरियंसिंग एथनिक एंड लोकल कस्टम्स। इस प्रकार के जो लोग हैं वो मानव जातीय और स्थानीय रीतियों, मानव जातीय और स्थानीय रीतियों का आनंद लेने के लिए और उनको जो पसंद करने वाले होते हैं उनसे वो पर्यटनों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। बिसाइड द रीजन्स प्रोवाइड्स फॉर द नीड्स ऑफ टूरिस्ट एट द चीप कोस्ट, जहाँ पर इस प्रकार की सांस्कृतिक और इकोनॉमिक एक्टिविटी उनको सस्ते रेट पर प्राप्त हो जाती हैं, वहाँ पर ये कल्चरल और इकोनॉमी में इंटरेस्ट रखने वाले पीपल्स जो हैं वो वहाँ पर ट्रैवलिंग करते हैं। इट इज़ लाइकली टू बिकेम वेरी पॉपुलर, और ये धीरे धीरे बहुत ही अत्यंत लोकप्रिय हो रही है। होम स्टे, बहुत सारे जो एरिया हैं वो लोगों को अपनी कल्चरल और इकोनॉमी की इंफॉर्मेशन देने के लिए, उनकी सूचनाएं देने के लिए, उनको जानकारी लेने के लिए अपने घरों में टूरिस्ट पर्सन को रखते हैं। एम्ब्रेज एज द प्रॉफिटेबल बिजनेस, बहुत सारे क्षेत्रों में जो टूरिस्ट पर्सन होते हैं वो फैमिली मेंबर्स के साथ ही उनके घरों में रहते हैं। उस प्रकार के उस रीजन्स की जो कल्चरल होती हैं, एक्टिविटीज़ होती हैं, उन सब में वो मिलजुल करके इस प्रकार के कल्चर का एंटरटेनमेंट करते हैं और उन लोगों को उससे बेनिफिट होता है जो इस प्रकार की फैसिलिटी प्रोवाइड करवाते हैं। इसी टाइप में जो हेरिटेज होम्स इन गोवा के अंदर इस प्रकार की एक्टिविटी जो है वो शुरू की गई है। मेडिकेयर एंड कुर्ग इन कर्नाटका, कुर्ग कर्नाटक के कुर्ग रीजन्स के अंदर भी